क्या कोई ऐसी हदीस है जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तावीज़ दिए हो? यानी ये जो तावीज़ आप ये नंबरों वाले या कागज पर लिख के इस तरह का देना तो साबित नहीं है। नबी सलाम ने पूरी उम्मत को तावीज़ दे दिया ना जी। आखिरी तीन सूरतें अल मुअव्विज़ात, तीन पनाह देने वाली सूरतें। बुखारी में हदीस है नबी सलाम रात को सोने से पहले तीन तीन दफा पढ़ते थे आखिरी तीन सूरतें, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। हाथों में फूके पूरे जिस्म पे जहां तक हाथ पहुंचता था तो मलते थे। और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है कि अगर हुजूर के घर वालों में कोई बीमार हो जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीन सूरतें पढ़ के दम किया करते थे। और अबू दाऊद तिर्मिज़ी में मौजूद है कि नबी सलाम ने फरमाया जो कोई सुबह के वक्त तीन दफा ये तीन सूरतें पढ़ दे तो उसे पूरा दिन हर चीज से कफायत कर जाएंगी, और जो शाम के वक्त पढ़ ले सुबह तक हर चीज से कफायत कर जाएंगी। बल्कि तिर्मिज़ी में तो यहां तक एक हदीस मौजूद है सुन्नसाई अलकुबरा में भी फजाइल कुरान वाले चैप्टर में कि जब नबी इस्लाम पे ये आखिरी तीन सूरतें नाजिल हुई है ना, फिर हुजूर आम दुआएं छोड़ देते थे, सिर्फ ये तीन सूरतें ही पढ़ते थे। ये सारे फजाइल पे भारी है।